आप यकीन नहीं मानेंगे, चितापुर में सबसे ज्यादा डॉग बाइट केस है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का क्षेत्र है वहाँ पर। और गुलबर्गा सिटी में पिछले 3 साल में 6,000 डॉग बाइट केस हुए हैं यहाँ पर। तो क्या यहाँ के मौजूदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा के जितने भी रूरल्स के इलेक्टेड MLAs हैं कांग्रेस के यहाँ पर, BJP के, क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? क्या उनके नज़दीक किसी की जान की अहमियत नहीं है लोगों के नज़दीक? कि ये जो कुत्ते काटने का जो इशू है और कई सारे जो गुलबर्गे में इंसिडेंट हुए, वैसे लोगों को अभी तक कंपनसेशन तक नहीं मिला, और ऐसे नाकारा कॉर्पोरेशन कमिश्नर को यहाँ से निकालना है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शादी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हम लोग यहाँ पर कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास धरना किए, हम लोग आज प्रोटेस्ट किए। ये जो आवारा कुत्तों का जो आतंक चल रहा गुलबर्गा में, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसी सिलसिले में हम लोग एक मेमोरेंडम पेश किए यहाँ पर। मेमोरेंडम में हम लोग जो इश्यूज़ को हाईलाइट है, जो गवर्नमेंट का सर्वे आया वो चीज़ों को हाईलाइट करे, और साथ ही साथ मैं गुलबर्गा के लोगों को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ गुलबर्गे का इशू नहीं है, ये नेशनल वाइज इशू है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कलबुर्गी इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में 24 लाख डॉग बाइट केस है एक साल के अंदर, जिसमें हर साल 18,000 से 20,000 लोग मरते हैं इसके अंदर, और उसमें मेजॉरिटी होते हैं छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स होते हैं उसके अंदर। और कर्नाटक में, कर्नाटक इटसेल्फ है 2 लाख केसेस एक साल में, 2 लाख यहाँ पर केस होते हैं कर्नाटक में। और गुलबर्गा सिटी में पिछले 3 साल में 6,000 डॉग बाइट केस हुए हैं यहाँ पर। ये मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या यहाँ के मौजूदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा के जितने भी रूरल्स के इलेक्टेड MLAs हैं कांग्रेस के यहाँ पर, BJP के, क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? क्या उनके नज़दीक किसी की जान की अहमियत नहीं है लोगों के नज़दीक? ये लोगों को सिर्फ इनॉग्रेशन करना मालूम है, ये लोगों को फंक्शनों में जाना मालूम है, मगर जो लोग इनको जिताए, जो आवाम इनको जिताए, वो लोगों की खिदमत करना, उनके परेशानी, उनके मुश्किल में उनका साथ देना, ये लोग उनको नहीं आता है। और मैं ताज्जुब करता हूँ कि भाई हम लोग ऐसे लोगों को जिता के लाते हैं, और ख़ास तौर पर कांग्रेस को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जीत तुम लोगों को, ये जीत जो मिली, ये पब्लिक की जीत मिली सर, या आपके कारनामे, आपके कोई मूवमेंट के वजह से जीत नहीं मिली, ये एक तरस खाकर BJP को हटाने के वास्ते यहाँ पर पूरे लोग, सेक्युलर मेंटालिटी रखने वाले लोग, आप लोगों को जीता है। ये जीत भीख में मिली से जीत है। सही बात। जब अगर भीख में जीत मिली तो उसकी खदर करना सीखना आप लोग। ये खदर ना करते हुए घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, फंक्शन जाएंगे, बोले तो ये आवाम तुम्हारे को जब बिठा सकती तो ये आवाम तुम्हारे को गिरा भी सकती। और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन खामोश नहीं बैठेंगी ये चीज़ों पर। अगर आपको लगता है कि आप अपोजिशन ख़त्म करें तो आपकी गलत फहमी है। अगर ऐसा से ऐसे ही माहौल अगर चलता रहेगा तो जनता परिवार एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर उतरेंगे तुम्हारे सामने एक अपोजिशन में, और बराबर उतरेंगे हम लोग आपके सामने। हम इलेक्शंस भी लड़के बताएंगे हम लोग। आप समझते हैं कि भाई गुलबर्गा के यूथ, गुलबर्गा के जो सेक्युलर सोच रखने वाले बेवकूफ़ है, आप बेवकूफ़ बनाते जाएंगे और हम बेवकूफ़ बनेंगे? नहीं, ये गलत फहमी में है आपकी। तो मैं ये ताकीद करूँ, ये वार्निंग दे रूँ मैं आप लोगों को कि ये जो कुत्ते काटने का जो इशू है और कई सारे जो गुलबर्गे में इंसिडेंट हुए, वैसे लोगों को अभी तक कंपनसेशन तक नहीं मिला, अभी तक कंपनसेशन। और ऐसे कमिश्नर को बीइंग है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, आप इतने स्ट्रिक्ट मूवमेंट ले रहे हैं, आप गुलबर्गा के ऊपर तवज्जो नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, चितापुर में सबसे ज़्यादा डॉग बाइट केस है। आप यकीन नहीं तो सर्वे आप देख सकते हैं, मेमोरेंडम का कॉपी आपको दे सकता हूँ। चितापुर में सबसे ज़्यादा डॉग बाइट केस है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का क्षेत्र है वहाँ पर। तो मैं आप लोगों से, मैं आवाम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि ये चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाओ, जनता परिवार का साथ दो, हम आप लोगों के लिए ठहरे हुए हैं। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से और डिप्टी कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि ये कमिश्नर पिछले 2 साल से यहाँ पर गुलबर्गा में है और उनके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है आवाम के लिए। वार्डों में देखिए वही गंदगी मिल रही है आपको, जानवरों का वही इशू है यहाँ पर। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हम लोग 1 साल पहले 2 साल पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर। ताजुब की बात है कि हिंदुस्तान का ये ऐसा कानून है जानवरों को लेके कि स्ट्रीट वेंडर अगर स्ट्रीट पे ठहर कर कारोबार करेंगे, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए उन्हें जिद्दोजहद करेंगे तो वो क्राइम है, मगर वही जानवर स्ट्रीट पे रहेंगे और उसको अगर कोई मारेगा, लात भी मारेगा तो अब वो कानून में आएगा, वो क्राइम है वो। तो ये चीज़ों को हमको बदलना है, चीज़ों को बदलने के लिए हम सबको मुतहद होकर हमको लड़ना चाहिए, और ऐसे नाकारा कॉर्पोरेशन कमिश्नर को यहाँ से निकालना है। मैं यही डिमांड करता हूँ कि भाई कमिश्नर को अगर निकालेंगे तो मेरे को ये उम्मीद करता हूँ कि भाई गुलबर्गा के हालात सुधरेंगे। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है, और आवाम के भरो अगर ये काम नहीं होगा तो आप लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसको जिता के लेकर है, आप उनकी काबिलियत आप लोगों को नजर आएगी। और ख़ासतौर पर मैं वो बिजनेसमैन जो ताजिर है, जितने भी लोग मिलकर रहने, सीट बचाना है बोल के जो कोशिश करे,
मैं उन लोगों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ पे भी तवज्जो दीजिए, और वो कॉरपोरेटर से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि जो आप लोग ये समझते हैं कि MLA के फेस पे जीत कर रहे, नहीं, आप लोग अपनी काबिलियत से जीत कर रहे हैं इलेक्शन, तो ये MLA के आगे पीछे फिरना छोड़कर जो लोग आपको जिता गए उनके लिए काम करिए। आगे आपको अगर उनसे सीट भी नहीं मिलेंगे तो आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो यही आवाम आपको जिता के लेकर आएंगे। तो मैं पूरे कॉर्पोरेटर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई इंडिपेंडेंट आप मूवमेंट लेना शुरू कर लीजिए, तभी जाकर हम हमारे गुलबर्गा के हालात को कुछ सुधार सकते हैं। अपनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म। कमिश्नर से हमारी बात नहीं हुई, कमिश्नर जैसा हमेशा बिजी रहते मेमोरेंडम देने के टाइम पे, वैसे ही कमिश्नर आज भी बिजी है आज, मगर यहाँ पर जादव साहब बोलकर है, इज एन असिस्टेंट कमिश्नर, उनके हाथ में हम लोग मेमोरेंडम दिए और हमारे डिमांड्स को हम उनके सामने रखे। डिमांड में यह है कि अगर 15 डेज के अंदर जो 30 तारीख से पहले अगर हमारे डिमांड फुलफिल नहीं होंगे, तो डिमांड क्या है, स्ट्रे डॉग शेल्टर बनाना है यहाँ पर, जितने भी कुत्ते हैं आवारा कुत्ते उनको हटाना, ये लोग ABC एनिमल कंट्रोल बर्थ कि जो स्कीम में नसबंदी करते हैं हम लोग, नसबंदी आप करो, आप नसबंदी करो, आप कुत्तों को अपने घर में ला कर रखो या कॉर्पोरेशन में डालो, हमको से मतलब नहीं। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि रेसिडेंट्स में जितने भी कुत्ते हैं वो कुत्तों को वहाँ से हटाना चाहिए, एक शेल्टर बनाओ और उनको वहाँ पे डिटेन करो। और दूसरी चीज़, जितने भी गुलबर्ग के सिटी लिमिट में फंक्शन हॉल है, वो लोग फंक्शन होने के बाद खाना पूरे फंक्शन हॉल के बाहर बेचते हैं, वो पूरे फंक्शन हॉल पूरे सराउंड होते हैं रेसिडेंट से, घर बाजू बाजू घर बने हुए। तो हम लोग ये भी डिमांड करें कि पूरे फंक्शन हॉल को नोटिस दिया जाए कि जितना भी डम खाना है वो लोग डम करते हैं, उसको डम नहीं करना है, कॉर्पोरेशन को बुलाकर आप उनको हैंड ओवर करेंगे, या नहीं तो वैसे फंक्शन हॉल पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और वैसे फंक्शन हॉल को बंद होना चाहिए। जो फंक्शन हॉल के जो ओनर जो इंसानियत नहीं रखते लोगों के वास्ते, वैसे लोगों को यहाँ पर कारोबार करने का हक ही नहीं है यहाँ पर। और तीसरा, हम ये करें कि अवेयरनेस स्कीम भी करो, हम ये नहीं बोल रहे कि कुत्तों को, आवारा कुत्तों को मारो, हम ये बोल रहे कि आवारा कुत्तों रेसिडेंट्स को एक अवेयरनेस प्रोग्राम लो, जिससे क्या है लोगों को मालूम होता है कि आवारा कुत्तों से अपने आप को कैसे बचाया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अपने बच्चों को, एक अवेयरनेस प्रोग्राम लो जिससे दिस विल हेल्प टू एंटायर लोकेलिटी। तो बस यही डिमांड हम लोग रखे हुए हैं, अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो 30 तारीख के दिन टाउन हॉल के बाहर या टाउन हॉल के अंदर हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे। अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कॉर्पोरेटर्स और ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड दिस कमिश्नर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और गुलबर्ग के लोगों को मालूम है, हम बोले तो हम बराबर करते और करके ही बताओ, नसबंदी कर आपको वहीं छोड़ना नहीं है, नसबंदी कर आप अपने घर में लेकर आकर रख लो या कॉर्पोरेशन में रख लो, मगर रोडों पे हमारे जो रेसिडेंट एरिया है वहाँ पर कुत्ते नहीं रहना। अगर कुत्ते रहेंगे, देखिए एक बायोलॉजिकल रिपोर्ट है, मुझे नहीं पता ये लोग कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। बायोलॉजिकल रिपोर्ट में क्या है, अगर किसी जानवर की नसबंदी करते हैं ही विल बिकम वेरी एग्रेसिव। ये जो कुत्ते काटने के जो सिलसिले चल रही है इसीलिए क्योंकि वो दे आर बिकमिंग एग्रेसिव, तो इनके एग्रेसिव को अगर कम कर रहा है बोले तो इनको यहाँ से पहले हटाना चाहिए। आप नसबंदी फॉलो करो या कुछ भी करो, देखिए 1960 में ये एनिमल प्रिवेंशन एनिमल एक्ट 1960 में यह कानून बना, आपको मालूम होना चाहिए। और आवाम को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि कानून के हिसाब से अगर आप एक जानवर को अगर मारते हैं तो आपको 10 रुपये फाइन है, अगर आप दो जानवर को मारेंगे तो 20 रुपये, मैक्सिमम 50 रुपये फाइन है। रिसेंटली 2022 फरवरी 2022 को एक बिल अमेंडमेंट के लिए डाले हैं कि 10 रुपये से 75,000 उसको बिल करो बोल के, 75,000 फाइन करो बोल के बिल डाले सो है। अभी वो अमेंडमेंट नहीं हुआ वो अभी तक, मगर अभी भी जो कानून है 1960 का कानून है कि अगर आप एक जानवर को मारेंगे तो 10 रुपये आपको कोर्ट में फाइन भरना पड़ेगा, और हो सकता है अगर फाइन नहीं तो 6 महीने की सजा। तो ये कानून को दिमाग में रखते हुए मैं तमाम वार्ड के नौजवानों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई अपने अपने एरिया के लोगों की हिफाजत कीजिए। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2024 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details.